हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। मेरा नाम है निष्कर्ष और मैं आज आपको बताने वाला हूँ आप सीए फाउंडेशन में आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, आप कैसे अपना टाइम मैनेज करें ताकि आप प्रॉपर टाइम दे पाएँ हर सब्जेक्ट को। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो हम चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो स्टेप वन पे आपको अपने वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है मैथ, फिर लॉ, फिर अकाउंट्स, फिर इको। ठीक है, मैंने एवरेज स्टूडेंट्स का लिया जो मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चों का ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके पहले तो लिस्ट बनानी है चारों सब्जेक्ट में, जो आपको सबसे हार्ड लगता है वो सबसे ऊपर और जो सबसे ईजी लगता है वो सबसे नीचे। देन आपको अपने तीन स्लॉट बनानी है। ठीक है, फर्स्ट 4 आवर्स का, सेकेंड 3 आवर्स का और थर्ड 3 आवर्स का। ठीक है, आपको 3 स्लॉट में पढ़ाई करनी है। फर्स्ट स्लॉट में आप पढ़ेंगे जो भी आपका सबसे वीक सब्जेक्ट होगा, आपको उसे 4 आवर्स देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लॉट में आपको 3 आवर्स का जो स्लॉट होगा उसमें आपको क्या देना है, आपका सेकेंड वीक सब्जेक्ट, फॉर एन एग्जाम्पल लॉ। ठीक है, और थर्ड स्लॉट में आपको देना है अकाउंट्स या जो भी हो सकता है आपका थर्ड सब्जेक्ट आता हो। ठीक है, थर्ड लिस्ट में। इस तरह से आपको दिन में मिनिमम 10 घंटे पढ़ाई करनी है। कंपलसरी आप 10 आवर्स पढ़िए अभी के टाइम पे। ठीक है, ये तो मैंने आपको 3 सब्जेक्ट का बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास बचता है लास्ट ईको। ठीक है, ईको में आपको कैसे पढ़ना है। तो ईको ना सबको बहुत ईजी लगता है और मतलब ईजी है ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको केवल संडे टू संडे पढ़ना है। ठीक है, मान लो आपने 6 दिन आपका ये शेड्यूल होना चाहिए 4-3-3 आवर स्लॉट वाला। ठीक है, और जो संडे आता है उसमें आपको सिर्फ ईको पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है सारे सब्जेक्ट वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने शेड्यूल बताया है। ठीक है, आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको डिटेल में कि आपको कैसे पढ़ना है। एग्जाम्पल जो मैंने लिया था उसी को हम मैं आगे बढ़ाता हूँ और उसी से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हम अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करते हैं, आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब जो मैंने एग्जांपल लिया था मैं उसी के हिसाब से बताता हूँ आपको। सबसे पहले मान लेते हैं आपका मैथ्स वीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 आवर्स उसको देनी है। और फर्स्ट 4 आवर्स का मतलब है आपको कंटिन्यूसली 4 आवर्स पढ़ना है। बीच में आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लेना और उसके बीच में कहीं उठ के भी मत जाना। ठीक है, कंटिन्यूसली आपको पढ़ना पड़ेगा 4 आवर्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 15 मिनट्स या 20 मिनट्स जो भी आपको टाइम लगता है आप उसके नोट्स पढ़िए, जो भी आपने बनाए होंगे वो नोट अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं। पास्ट पेपर कहाँ मिलेंगे वो आपको वीडियो दिख रही है, इसमें आप देखो कैसे, मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैं ऊपर ओवरऑल बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं। और अगर आप किसी क्वेश्चन पर अटक जाते हो तो आपको अटकना नहीं है, सीधे उसे छोड़ दो और आगे करते जाओ। ठीक है, और लास्ट में जब आधा घंटा बचे, 4 आवर्स होने वाले हों, लास्ट में आधा घंटा बचे, तब आप स्टॉप करो और जो भी आपके क्वेश्चन आपने स्किप करे थे आप उस पर आंसर ढूंढो। आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो किसी से, या फिर आप यूट्यूब से देख सकते हो, कहीं से भी देखो। उस आधे घंटे में जो भी स्किप करे थे क्वेश्चन उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 4 आवर्स ऐसे करके पढ़ना है। तो ये मैंने मैथ का बता दिया, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है लॉ। लॉ में बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स लगेंगे नोट्स पढ़ने में। जो भी आपने अगर नोट्स बनाए होंगे तो आपको नोट्स पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स लगेंगे रिवाइज़ करने में उसे। तो 30 मिनट्स में आप रिवाइज़ करना, देन उसके बाद उस पार्टिकुलर एक्ट के जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बता रखे हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वो क्वेश्चन उठाना और उनको फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाना। एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसका आंसर चेक करो। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है लॉ के वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि उसको थोड़ा सा लंबी हो जाएगी वरना ये वीडियो। ठीक है, बट मैं अभी आपको ओवरऑल बता रहा हूँ आपको आंसर लिखना है, फिर आंसर मैच करना है मॉड्यूल से या फिर जो भी जहाँ पे आंसर दिया होगा। ठीक है, इस तरह से आपको मैच करना है और आपको कम से कम मिनिमम 6 से 7 आंसर लिखना ही है उतने टाइम में। ठीक है, ऐसे करके आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिखना है, थ्योरी आपको वैसे ही आ जाएगी, आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स का बहुत सिंपल है, उसके नोट्स तो होते ही नहीं है ज़्यादा बड़े, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेजेस के होते हैं, तो आप आराम से 15 मिनट में पढ़ सकते हो। उसके बाद सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने कर सकते हो उतने टाइम में। ठीक है, अकाउंट्स में टाइम लगता है इसलिए 3 आवर्स हो जाएगा आपका, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके आप करोगे तो आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। बस ध्यान रखना आपको नोट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व ज़्यादा करनी है। आप 1 घंटा अगर नोट्स में लगा दोगे तो वो बेकार, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईको की। ईको आपको संडे टू संडे पढ़ना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको याद कैसे लगेगा, भूल सकते हो ना, 1 वीक का गैप आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसको कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के नोट्स पढ़ने हैं जो भी आपने बनाए होंगे, ठीक है, संडे को। और फिर उसके जो भी MCQs है पहले मॉड्यूल के सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद कोई टेस्ट पेपर मिल जाता है आपको मेरे ग्रुप पे मिल जाएंगे टेस्ट पेपर्स, और जो भी इधर उधर से MCQs मिलते हैं आप वो सॉल्व कर लो। ठीक है, एक चैप्टर के कर लिए कम से कम
200 से 300 MCQ सॉल्व, देन फिर नेक्स्ट चैप्टर पकड़ो, फिर उसके MCQ सॉल्व कर लो, ठीक है। इस तरह से आपका वो पूरे दिन में आपको मिनिमम 2 चैप्टर्स तो करने ही पड़ेंगे, इकोनॉमिक्स से हो जाएंगे आराम से, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और याद रखना BCK में जो थर्ड चैप्टर है उसको स्किप करके चलना, ठीक है। पहले वो 10 चैप्टर कंप्लीट कर लो अच्छे से, फिर उस पर आना। डायरेक्ट उस पर आओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो चैप्टर बहुत लेंथी है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको कैसे पढ़ना। अब आपको याद कैसे लगेगा पूरे वीक में, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 चैप्टर पढ़े इकोनॉमिक्स से संडे को, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, आपको मेरे ग्रुप पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे क्विज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे जब आपका तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए पढ़ के, तो वो क्विज़ कर लेना उस चैप्टर का। आपको एक चैप्टर के कम से कम 4-5 क्विज मिल जाएंगे, आप आराम से पूरे हफ्ते तक कर सकते हो, ठीक है। और एक क्विज़ करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप पर डेली करोगे ना, तो एक वीक में आपको वो क्वेश्चन भी याद होने लगेंगे, ठीक है। इस तरह से आप भूलोगे नहीं और आपका रिवाइज भी होता जाएगा और आप इकोनॉमिक्स अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 4 सब्जेक्ट का कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपको पढ़ना कैसे है। बट आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप 4 आवर्स पढ़ रहे हो, इसका मतलब है आपको उसके बीच में उठना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट का ब्रेक लेना, ठीक है। क्योंकि वरना फिर प्रॉब्लम हो जाती है, आपका ध्यान इधर उधर चला जाएगा और फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं हो पाएगा। इसलिए वो 4 घंटे अगर आप बैठ रहे हो पढ़ने, तो केवल पढ़ाई करो और कुछ भी नहीं, ठीक। हो सकता है आप दिन में पढ़ने वाले हो और रात में पढ़ने वाले हो, तो उसी आप अपना ये सेट कर लेना। फर्स्ट पे आपको 4 आवर्स पढ़ने, नेक्स्ट 3 आवर्स, ठीक है। और लास्ट के जब ये पढ़ लो आप, तो उसके बाद हो सके तो आधा घंटे में उसका एनालिसिस कर लेना कि आपने कितना पढ़ा है और आपको नेक्स्ट डे कितना पढ़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पूरा पता रहेगा कि आपका कितना सिलेबस बचा है और आपको कितना करना है आगे, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको कुछ ज़्यादा से प्रॉब्लम आ रही है किसी सब्जेक्ट में, तो आप उसको 1 आवर एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि आप मिनिमम 10 आवर्स पढ़ रहे हो। मिनिमम तो आप सभी लोग ही पढ़ लेते हैं 10 आवर्स। अगर आपको थोड़ा सा वीक लग रहा है वो सब्जेक्ट, तो आप उसको 1 आवर 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आपको लॉ के आंसर प्रेजेंट कैसे करने हैं, बिकॉज मेरे बहुत मार्क्स कटे हैं। मैंने बिल्कुल सही भी लिखा था ना, तब भी मेरे लॉ में बहुत मार्क्स कटे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा आपको लॉ के आंसर प्रेजेंट कैसे करने हैं कि आपको फुल मार्क्स मिले। फुल तो नहीं मिलेंगे, बट 1-2 मार्क्स कट सकता है, बट आप अच्छे से कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पर बनाऊँगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर सको।